पूजा भट्ट की फिल्म बैड का सेट आजकल एक बैटलफील्ड बन गया है। पहले फिल्म के एक्टर रणदीप हुडा के पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग को लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सी, और अब पूजा भट्ट और उदयपुर के एसपी के बीच हुई कहासुनी को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, पूजा भट्ट ने उदयपुर के एसपी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म बैड के क्रू के साथ मिसबिहेव किया, और इस सिलसिले में पूजा भट्ट ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से कंप्लेंट भी की थी। और पूजा के इस स्टेप के बाद लगा कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म बैड के सेट पर एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, जिसे लेकर पूजा काफी नाराज है। पूजा ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, 50 to 75 people claiming to be from NSUI have barged into Central Jail Udaipur shouting slogans against me and threatening to shut down my shoot. पूजा भट्ट का कहना है कि एसपी से हुई उनकी कहासुनी को पॉलिटिकल इशू बनाकर कुछ लोग इलेक्शन में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। आई एम बीइंग मेड अ स्केपगोट बाय वॉरिंग पॉलिटिकल पार्टीज हुज क्लैमर फॉर पावर इज इंड्यूसिंग दिस गून लाइक बिहेवियर। वैसे फिलहाल फिल्म के सेट से खबर है कि पूजा ने फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है, और पुलिस ने फिल्म के सेट्स के पास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। फॉर कुणाल मान लेकर, जूम, मुंबई।